सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.10 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द ड्यू टू अ चार्ज या ड्यू टू अ पॉइंट ऑन द डाइपोल, है ना? तो वो ऑन द अलोंग द एक्सिस और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस, ठीक है? तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से 2 बार 3 बार, उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा समझना वो ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आता है तो फिर 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो चार्जेज रखे हुए हैं, 10 और +10 और -10 माइक्रोकुलाम के, ठीक है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर। तो यानी कि ये जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 5 मिलीमीटर। तो हम लोग इसमें पहले ये डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ए ओ और ओ बी, है ना? ये आधा आधा हो जाएगा, तो दिस इज 5/2 मिलीमीटर, है ना? तो 5/2 मिलीमीटर मतलब कितना हो गया? 2.5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? ओके। और बोल रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द पोल ऑफ डाइपोल, ड्यू टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ओके, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, है ना? तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो रहा है, तो यानी ओ पी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻² मीटर। अच्छा, अभी जो हमने ए ओ और ओ बी निकाला था वो हमारा आया था 0.25 × 10³, है ना? 0.25 × सॉरी, ये आया था हमारा 5/2 मिलीमीटर था ना, ए ओ और ओ बी। तो ये था हमारा 5/2, यानी कि 2.5 × 10³ था। इसको भी -2 के फॉर्म में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? तो -2 लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻²। ये दोनों का ये जो है ना, ये सेम करना पड़ेगा ताकि ये प्लस माइनस करने में आसानी होगी आगे चल के, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस 0.25 × 10⁻²⁪ मीटर हो रहा है, ओ ए और ओ बी दोनों, है ना? ओके, यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि फाइन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो एनसीईआरटी में वो समझ ही अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है? एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ, ठीक है? तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकालेंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू बी, है ना? पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इतना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? 15 × 10⁻², ठीक है? और ये डिस्टेंस ओ बी कितना? ये है आपका वही 0.25 × 10⁻², है ना? अब देखिए, तो ये इसको प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई ε₀। अभी हम लोग बेसिक मेथड से कर रहे हैं, फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला से भी करके समझाएंगे जो बुक में कर रखा है सॉल्यूशन में, ठीक है? तो 1/4 पाई ε₀, दिस क्यू क्यू हमारा कितना है? 10 × 10⁻¹० ठीक है? 10 × 10⁻¹० डिवाइडेड बाई कितना? डिस्टेंस वही 15 + 0.25 प्लस होगा या माइनस होगा? बीपी डिस्टेंस चाहिए ना, तो बीपी के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरा 15 है और ये डिस्टेंस 0.5 है, तो माइनस करेंगे तो बीपी होगा, ठीक है? इंटू में 10⁻¹²
और पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, समझ आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या किया, 4 पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा है, बट आप इसको सीधा क्या कीजिए, 9 × 10⁻⁹ रख दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, तो इसमें जब देखते हैं सॉल्यूशन में, ये कर रखा है एनसीईआरटी ने, तो यहाँ पर आप देखिए यही चीज़ आया हुआ है आपका, वही क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस इतना, 10⁻², का उसका 10⁻⁴ हो गया, तो ये चीज़ आपका कैलकुलेट करके आ गया है 4.13 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम अलोंग बीपी। अच्छा, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पर एक्सियल लाइन पे जब बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका पता है टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, तो इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, और फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग बी से पी की तरफ होगा। क्लियर है? अब देखिए -10Q चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज, तो यहाँ पर वही सब कुछ वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ठीक है, चार्ज हमारा वही -10 × 10⁻⁶, है ना, और डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 10 × 10⁻⁶ करेंगे तो ये 10⁻⁵ आ जाएगा ना, जो बुक में उसमें दे रखा है सॉल्यूशन में, तो और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ रख देंगे, ठीक है, और डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस, तो ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.15 × 10⁻², और ये है 0.25 × 10⁻², तो दोनों का प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 15 + 0.25 × 10⁻², का होल स्क्वायर, है ना, तो 10⁻², का होल स्क्वायर 10⁻⁴, और 15.25 का होल स्क्वायर करके देखेंगे, तो यहाँ से हमारा जब कैलकुलेशन, अच्छा डायरेक्शन इसमें फिर से भी देख लीजिए, डायरेक्शन की बात क्या होगी, ये माइनस चार्ज है तो पी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक, तो इसलिए अब जो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग पी टू ए होगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसको सॉल्यूशन में दे रखा है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। तो देखिए क्योंकि एट पॉइंट पी ड्यू टू -10Q, तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 3.86 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, अब यहाँ पर आया था ये ए की वजह से, बी की वजह से इतना आया था 4.13 × 10⁶, और ये है 3.86 × 10⁶, तो जिन्हों दोनों का आप जब माइनस करेंगे तो 4.13 − 3.86 ये आ जाएगा आपको 0.27 × 10⁶, तो इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2.7, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2.7 × 10⁵ कितना हो जाएगा 5, तो यही देखिए आपका यहाँ से आंसर दे रखा है 2.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब बात आती है कि आप ये जो बेसिक मेथड से इसका कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी तो हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला सीखा था इसका, कि एक्सियल लाइन का फार्मूला होता है ना, कोई भी पॉइंट अगर ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल रखा हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, और वो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना, दिस इज 2π/4π εr³ होता था। अच्छा, तो 2π, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला करके, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था कि जो r शुड बी मच 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 ग्रेटर देन a, तो वो देख लेते हैं अभी, r कितना है 15 सेंटीमीटर, और a कितना है 0.25, है ना, मतलब 5/2, तो 2.5, ठीक है, तो 5/2 mm है, तो दिस बिकम्स 2.5 mm, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दें कैसे, तो इट बिकम्स 15/2.5, तो डेसिमल हटेगा तो ये 10 आ गया, तो 15 × 6, अच्छा ये मिलीमीटर था,
एक और ऊपर जाएगा है ना, तो क्योंकि 2.5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चले जाएगा ना, तो इट बिकम्स 60। तो आप देख रहे हैं कि R जो है और R बाई A का रेशियो 60 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं R इज मच मच ग्रेटर देन A। 60 कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो इसलिए ये फार्मूला हमारा यहाँ पर अप्लीकेबल है। कौन सा शॉर्टकट जो फार्मूला होता है, 2P/4π∈R³। तो 2P/4π∈R³ अब हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, जिसमें P की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 2 × Q × A, क्यों आपको पता है, डिस्टेंस ए पता है, आर भी पता है, तो डायरेक्ट पुट करके देखते हैं ये कितना आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करके देखा है तो ये आ गया है आपका, ये देखिए 2P/4π∈R³ की वैल्यू पुट किया, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 2.6 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और वहाँ पर कितना आता 2.7 × 10 की पावर 5 आया था, है ना। तो 2.7 और 2.6 तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि 10 की पावर 5 तो दोनों में सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, गुड। अब यहाँ तक हम लोगों को ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और रह गया कि जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना आया है, 4.13 अलोंग BP, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है 2.7 × 10 की पावर 5, है ना, सॉरी ये 3.86 × 10, ये अलोंग PA। दोनों में ज़्यादा कौन है, 4.13 ज़्यादा है, तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, अलोंग BP होगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अलोंग BP होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमसे क्वेश्चन का क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी कि ये वाला है ना, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। फिर से देखिए वही सब काम करेंगे हम लोग जैसे पहले कर चुके हैं। ये डिस्टेंस आपका 15 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा कितना 0.25 हो गया, तो ये हम लोग ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेनियस वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरह से ये वाला भी उतना ही हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू ड्यू टू, पहले हम लोग क्या करते हैं ये प्लस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्लस चार्ज की वजह से जब हम लोग निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, तो वो हो जाएगा वही जो कितना 1/4π∈₀, पहले बेसिक मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्यू अपॉन फॉर्मूला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी क्यू का होल स्क्वायर, है ना। अब बी क्यू हम लोगों को पता चल गया है ये, और डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्शन इसका हो जाएगा आपको, ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगा टुवर्ड्स बी क्यू, है ना, ओके। तो इसका वैल्यूज वगैरह पुट कर लीजिएगा आप, समझ में आ गया। अब इसकी वजह से देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू, इस क्यू पॉइंट पर हम लोग को फिर फाइंड आउट करना है, और ए पर क्या है -10 μC है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो यानी ये डायरेक्शन हो गया हमारा माइनस क्यू की वजह से, और ये डायरेक्शन हो गया प्लस क्यू की वजह से। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस इक्वल है, चार्जेस भी इक्वल है, तो यानी E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और जब हम लोगों को आप देखिए मेन जो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो ये है, एक फोर्स लग रहा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन जो एक्चुअल जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीचों बीच होगा। तो
इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ये ई वन है, ये भी ई वन होगा, ई टू है, लेकिन दोनों बराबर है, ई वन और ई टू दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर आएगा, है ना। तो जब हम लोग ये डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे तो ये दो दो तरीके हैं, एक ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा यूज करेंगे, है ना। तो उससे भी हमारा ये आ जाता है कितने के बराबर, 2e cos थीटा के बराबर, जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर e 2e स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा आता है 2 cos स्क्वायर, अच्छा यहाँ cos थीटा नहीं cos 2 थीटा होगा, ये देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा है ना, तो cos 2 थीटा होगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 2 तो अंडर रूट में, तो एक 2 रहेगा और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस हो जाएगा और ई स्क्वायर का भी रूट ई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2e cos थीटा, ठीक है। और उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक मेथड था। दूसरा मेथड आपको ये बता देते हैं, देखिए ये एंगल थीटा मान लिया हमने, तो ये जो ये एंगल भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी थीटा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल, अब देखिए इसका ई वन है तो ये हो गया इधर की तरफ ई वन कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर इसका कंपोनेंट हो गया यहाँ पर ई वन कॉस थीटा, उसी तरह से इसका भी, ये ई टू था इसको भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ई वन मान रहे हैं क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो इसका भी इधर की तरफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये भी ई वन कॉस थीटा, समझ आ रहा है। तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, अच्छा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये और ये है ना, इवन साइन थीटा और इवन साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी इवन साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए यानी कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो हमारा क्या आ गया, 2e1 cos थीटा, ठीक है। e1 हमारा निकल चुका था फॉर्मूले से, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा कितना है, 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, वही 15 प्लस 0.25, है 15 प्लस 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, और इसका अंडर रूट, समझ आ रहा है कि नहीं, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो करना होगा, ये नहीं हाइपोटेन्यूस, हाँ ठीक है, ये हो गया 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 4, समझ आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई और 2e कॉस थीटा, तो इसको हम लोग सबको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये देखिए ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग BQ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग QA, दोनों इक्वल आया, इसको हमने E1 बोला था, इसको हमने E2 बोला था, और E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। उसके बाद फिर हमने क्या बोला अभी आपको कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2e cos थीटा रिजल्टेंट आएगा, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और cos थीटा की वैल्यू ये रही, 2e cos थीटा पुट कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ जा रहा है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1.33 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब फिर से देखिए यहाँ पर r इज मच मच ग्रेटर देन a है, ठीक, इसलिए इसको शॉर्टकट डायरेक्टली देखिए, ये आपको बस समझाने के लिए है ये, ठीक है, कि आपको आइडिया क्लियर हो कि वो डायरेक्टली कर सकते हैं या बेसिक से करें, दोनों सेम आ रहा है। कारण क्या है कि r इज मच मच ग्रेटर देन a है, यही कंडीशन था उस फॉर्मूले को अप्लीकेबल होने के लिए। तो इसलिए हम लोग जब डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली पी अपॉन 4πε0r³, है ना। तो P हो गया वही 2a³ 4πε0 9 इंटू 1/4πε0 9 इंटू 10^9, और R डिस्टेंस कौन सा 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10^-2 का होल क्यूब करेंगे तो 10^-2 का होल क्यूब 10^-6 हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज को जब हम लोग पुट करके देख रहे हैं
तो देखिए वही हमारा आ गया कितना, जब पुट किया तो फिर से 1.33 × 10^-, 10^5 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए उतना लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर पेपर में आएगा तो आप डायरेक्ट ये मेथड यूज कीजिए और उसमें दिखा दीजिए ऐसा यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर इज़ ग्रेटर देन ए है, ठीक है। और इसमें जब इक्वेटोरियल लाइन पे जब हम लोग बात करते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, और ये हमारा माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस क्यू था और यहाँ प्लस क्यू था, तो इस वजह से माइनस से प्लस की तरफ हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, और नेट फील्ड देखिए डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फील्ड का वो आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वैक्टर, अगेन रिजल्ट एग्रीज विद दैट ऑब्टेन बिफोर। मतलब बेसिक से करें या डायरेक्ट फार्मूला लगा के करें, दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इसके बेस पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेंड किए हैं ग्रुप में, उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, और भी क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू।